दोस्तों राम राम, नमस्कार। आज मैं आपको गजब की आटा चक्की दिखा रहा हूँ। ये चक्की ना बिजली से चलती है ना इंजन से चलती है। दोस्तों यह चक्की दिन रात चलती है और इस चक्की का जो आटा है वह दूर दूर तक लोग उसे खरीदने आते हैं, लोग यहाँ पिसवाने आते हैं। यह चक्की गजब की चक्की है और यह चक्की बुलंदशहर ज़िले में चल रही है। बुलंदशहर ज़िले में सिकंदराबाद गुलाबछीट सड़क मार्ग पर गंग नहर है। यह इस चक्की क्या क्या फार्मूला है, क्यों लोग इस पर आज भी आटा पिसवाते हैं और क्या खास बात है इस चक्की की, दिन रात 24 घंटे यह चक्की चलती है और इस चक्की की और क्या खास बात है, लगातार पूरा वीडियो देखें। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें और दोस्तों इस वीडियो का लिंक अपने साथियों में ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस विशेष चक्की की जानकारी मिल सके। दोस्तों पहले तो आप इस चक्की की चाल और ढाल देखें, ये दो चक्कियां एक साथ चल रही हैं। इस चक्की में गेहूं की पिसाई हो रही है और ये जो एक तरफ इसका जो निचला पार्ट है वो स्थिर है, ऊपरला पार्ट घूम रहा है। काफ़ी भारी भरकम पार्ट है और इस टापे में गेहूं भरा हुआ है। आप देख सकते हैं इस गेहूं इस टापे में भरा हुआ है और एक नहीं यहाँ दो दो ये चक्कियाँ चल रही हैं। यहाँ गेहूँ की पिसाई हो रही है और बिल्कुल परंपरागत ढंग से यानी प्राकृतिक ढंग से ये आटे की पिसाई हो रही है। ये एक नहीं दो नहीं यहाँ चार चार चक्कियाँ चल रही हैं और इस चक्की का संचालन ये बुजुर्ग कर रहे हैं, गांव के रहने वाले हैं। दो चक्की हमने उधर दिखाई थी और ये दो चक्की यहाँ चल रही हैं। बहुत सारा आटा यहाँ चक्कियों का तैयार हो रहा है और बिल्कुल धीमी धीमी गति से तैयार हो रहा है। बिजली की चक्की जो आटे की पिसाई करती है वो काफ़ी तेज़ गति से घूमती है, उसका आटा खाने लायक नहीं होता है, यानी आटे के जो तत्व हैं वो उसमें समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ये जो चक्कियाँ चल रही हैं बिल्कुल धीमी धीमी चाल से चल रही, यानी कछुआ चाल से, और यह आटा बिल्कुल गर्म नहीं होता है। और आटा जब गर्म नहीं होगा तो आटे में जो तत्व हैं, जो प्रोटीन और जो अन्य आवश्यक तत्व जो आटे में होते हैं वह भोजन में बने रहते हैं और व्यक्ति हष्टपुष्ट तंदुरुस्त रहता है। आप देख सकते हैं ये चार चक्कियां चल रही हैं और यहाँ चक्की में जो आटा पिसाने वाले लोग हैं वो बहुत दूर दूर से आते हैं, आसपास के गांव से आते हैं और ये चक्कियां लगभग 200 साल से अधिक पुराने समय से चल रही हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने की ये चक्कियाँ हैं और बहुत सारे लोग यहाँ आटा पिसवाने आते हैं इन चक्कियों पर, क्योंकि इस आटे की बनी हुई रोटियां बहुत ही अच्छी लगती हैं, स्वादिष्ट लगती हैं, गजब का जायका होता है। इस जायके के कारण ही लोग यहां आटा पिसवाने आते हैं। बहुत सारे लोगों की यहां भीड़ लगी हुई है जो आटा पिसवाने आते हैं, उनसे भी पूछताछ करेंगे कि क्या फ़ायदा है इस आटे का और क्यों लोग यहाँ आते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? बॉबी। बॉबी कौन से गाँव के रहने वाले? बैनीपुर। बैनीपुर के हो? हाँ। तो कब से आटा पिसवाने आते हो यहाँ? जी कई साल हो गई। तो क्या खास बात है इसके आटे की? हाँ जी, इसकी रोटी बढ़िया आती है। रोटी बढ़िया आती है? हाँ। अच्छा, घर के लोग पसंद करते हैं? पसंद जी, दूर दूर तक पसंद करते हैं। दूर दूर तक करते हैं। और भाई साहब आपका कौन सा गांव है? सनोटा जी। सनोटा, तो आप भी यहाँ आटा पिसवाने आते? हाँ आए जी, लेने आएंगे आप। अपना अच्छा लगता है इसका आटा? अच्छा साहब बिल्कुल, ऐसा समझो औरत ने पीस दिया घर में ही। अच्छा, घर की पिसाई से? हाँ बिल्कुल, ना गर्म होता साहब। अच्छा अच्छा, भाई साहब आप भी कहाँ से आए हैं आटा पिसवाने? मैं असावर गांव से आया हूँ। असावर गांव से आते हैं? हाँ। तो शहर में नौकरी करते हैं? हाँ हाँ। और यहाँ इस चक्की पर आटा पिसवाते हैं? हाँ। तो क्या तारीफ है इस आटे की बताओ? इस आटे की तारीफ ये है कि मतलब पिसते टाइम पे हीट नहीं होता, ठंडा रहता है। ठंडा रहता है? हाँ। और इसकी रोटियाँ भी मतलब मुलायम रहती है, वाइट रहता है एकदम। अच्छा अच्छा। और बहुत सी जगह क्या करते हैं, चोकर मिला देते हैं, गाँव में चक्कियाँ होती हैं, इलेक्ट्रिक चक्कियाँ होती हैं, यहाँ पे मतलब एकदम शुद्ध आटा, जो आपका नेचुरल अनाज है वही आटा, वापस कोई गड़बड़ नहीं रहता है। तो हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ इस आटे की जो पिसाई होती है किस भाव होती है, ये रेट लिखे हुए हैं यहाँ पर। गेहूं की जो है 7 रुपया प्रति धड़ी, यानी 7 रुपये में 5 किलो की पिसाई होती है। जौ की भी साथ में होती है और बाजरे की भी साथ में होती है और जई की भी साथ में होती है। दलिये की मात्र 5 रुपये में 5 किलो पिसता है। मक्का 25 रुपये में 5 किलो पिसाई होती है। बेसन भी यहाँ पिसता है, 10 रुपये में 5 किलो बेसन पिस जाता है और मैदा 10 रुपये में 5 किलो की यहाँ पिसाई होती है। और ये पूरा हिसाब किताब रहता है और कौन कौन लोग कहाँ से यहाँ पिसवाने आते हैं आटे को, ये सारे लोग यहाँ जमे हुए हैं और लाइन लगी हुई है इस चक्की पर लोगों की, आटा पिसवाने वालों की।
बाइक पे, कार पे लोग दूर दराज से जो नौकरी करते हैं शहरों में, वह भी यहाँ चक्की पर आटा पिसवाने आते हैं। चक्की को जो चलाने वाले हैं बाबा, उनसे ही बातचीत करते हैं। बाबा आप चलाते हो चक्की को? अच्छा बाबा, ये जो चक्की आप चला रहे हैं बाबा, कब से चला रहे हैं चक्की? हमें तो 9-10 साल हो रही। 10 साल हो गई बाबा। ये चार चक्कियां लगी हुई हैं आपके यहाँ, तो इन चार चक्कियों से ये दिन रात पिसाई करते हैं? दिन रात पिसाई करते हैं। एक चक्की 24 घंटे में कितना पीस देती है? ऐसे पीस देती तो 20 मन नाज। 20 मन यानी 80 मन नाज की पिसाई आप इससे रोजाना कर सकते हैं। और बाबा इसकी क्या तारीफ है इसकी? इसकी तारीफ यह की आटा ठंडा रहता है, इसको आटा बहुत लाभदायक है। हम इसके पार्ट देख रहे हैं, इसके बड़े बड़े पार्ट यहाँ हैं चक्की के। हाँ, और काफ़ी बड़े बड़े पार्ट हैं, कहाँ से आते हैं बाबा से पूछताछ करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ आटा पिसवाने वालों की किस तरह से भीड़ लगी हुई है, गांव के इलाके में लोग आटा पिसवाने आते हैं। बाबा इस चक्की का खर्चा क्या है बताइए? खर्चा है कभी अब कम से कम 3,000 रुपये रोज का। 3,000 रुपये रोज का है क्या? जैसे क्या खर्चा है इसका? खर्चा 1,500 रुपया तो 1,000 रुपये गवर्नमेंट के जाते हैं। अच्छा, और चार मजदूर रहते हैं। अच्छा ये बताइए पाट का ये चक्की का खर्चा क्या है ये बताओ? वो तो आपने एक ठेका उठा हुआ है, उसका खर्चा बता दिया। इसकी पाट की मरम्मत या मेंटेनेंस में क्या खर्चा है? मेंटेनेंस में आ जाए 400-500 रुपये। 400-500 रुपये कितने दिन में? डेली के रोज। रोज का पार्ट है वो कहाँ से लाते हैं आप? हम तो बयालीस से। हाँ, राजस्थान। राजस्थान से आते हैं। और मिस्त्री मकैनिक इसके लिए कोई? वहीं से आता है। वहीं से आता है। अच्छा बाबा ये बताइए काम कैसे करती है चक्की, थोड़ा सा ये बताइए? काम ठीक करती है ये। मतलब कैसे? पानी से चल रही है? पानी चल रही है, 5-6 पानी जो नीचे लोहे की पंखा है। थोड़ा सा ये बताइए बाबा, बाबा ये बताइए पानी जो यहाँ से आ रहा है, ये जो आपकी चक्की है, नीचे लोहे के पंखा है? अच्छा, लोहे के पंखे लगे हुए हैं। हाँ। और ये दोस्तों ये चक्की पानी की धार से पिसाई करती है और ये पानी यहाँ आ रहा है और ये पंखे लगे हुए हैं और ये नहर का पानी ऊपर से आ रहा है और ये जहाँ टक्कर होती है पानी वहाँ से दूसरी तरफ से एक रजवाहा इसके लिए तैयार किया जाता है और ये रजवाहे पर ये अलग से ये जो लोहे की ये लगी हुई है यहाँ पर ये पंखे हैं इसकी और पंखों पर पानी की धार गिरती है और पंखों पर पानी की धार गिरती है और वो पंखे घूमते हैं और पंखे जब घूमते हैं तो एक पार्ट ऊपर वाला घूमता है और वो पिसाई करता है। जी भाई आप यहाँ किस गांव के रहने वाले हैं? यही गांव के हैं। तो ये कैसे पिसाई करती है, क्या फार्मूला क्या है, किस तरह से चलती है चक्की? अभी इसके लिए तो अंदर बढ़ना पड़ेगा तुम्हें। नहीं नहीं वैसे बताओ, फोर वाला के लिए अंदर देखना पड़ेगा। अच्छा नीचे लोहे के पंखे, लोहे जो पंखे के ऊपर लट्ठा है। अच्छा, लट्ठा के ऊपर जैसे चीला मौनी चलाए पहले जैसी। अच्छा, ऐसे मौनी के पल पल पाट घूमता पानी गिरता रहता है। हाँ। तो बाबा इसकी चाल भी कम ज्यादा हो जाती होगी? ना जितनी है जो पानी के हिसाब से चाल तेज बंदी होती रहे। ज्यादा हो जाए। बाबा ये कैस कितनी साल हो गई? यहाँ कम से कम आज बना गया जब चल रही है। 200 साल हो गई है। हाँ 200 साल तो हो जाएगी लगभग। अच्छा तो कितने गाँव के लोग यहाँ पिसवाई? यहाँ तो कम से कम 36-40 लोग आ जाए, 36 गाँव के लोग कम से कम। तो यहाँ देखा आपने, यहाँ जो पिसाई करने के लिए आते हैं वो 36 गांव के लोग यहाँ आते हैं और ये पानी का दूसरी तरफ ये निकास हो रहा है यानी पंखों पर पानी गिरने के बाद पानी इस तरह से यहाँ नहर में वापस पहुँच जाता है। ये पानी की धार से यानी चक्की ये आटा तैयार करती है और आटा इसका गजब का होता है। आप देख रहे हो किस तरह से, बस एक बार इसे चला लो, बार बार इसको ना आटा जैसे बिजली की या इंजन की चक्की में करना पड़ता है, उसमें कोई आटा कम ज़्यादा नहीं करना पड़ता। बस एक बार आप टापे में गेहूं भर दें और उसके बाद ये खुद ब खुद ये नियत कर रखा है और ये आटे की जो है इससे पिसाई होती रहती है। बिल्कुल यह ठंडा आटा है और स्वादिष्ट आटा है, गजब का यह पिसाई यहाँ हो रही है। यह पानी की धार से पिसाई हो रही है और बुलंदशहर ज़िले में यह स्थान है सिकंदराबाद गुलाबटी सड़क मार्ग पर सनोटा नहर पर। ये पंचक्की इन्हें कहते हैं और एक नहीं दो नहीं ये चार पंचक्कियाँ यहाँ लगी हुई हैं। आटे के कट्टे हैं, जो गेहूं के बोरे हैं उनके ढेर लगे हुए हैं और बढ़िया यह पिसाई
पंचक्की यहाँ कर रही है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो का लिंक भी दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हम आपको परंपरागत साधनों से जो कामकाज हो रहा है खेती किसानी और गांव देहात में वो आगे भी दिखाते रहेंगे। कुछ वैदिक चक्की जो बिना पानी के यानी बिजली से भी आप बहुत कम रफ्तार पर आटा पीस सकते हैं आगे हम आपको दिखाते रहेंगे। नए साथी इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।